नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 19 सितंबर 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की हर एक बड़ी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। एग्जाम डेट 2022 की अपडेट के बारे में बात होगी। आवेदन कब से शुरू होगा, कब अंत होगा, पूरी अपडेट को देखेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के हर एक अपडेट को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ और बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के चयनितों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। पीसीएस मेंस 2022 टालने के लिए सीएम से गुहार। सोशल मीडिया पर लगातार अभियान जारी है। पुरानी पेंशन समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ का धरना जारी है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, देखिए गुजरात में हजारों कर्मचारियों ने ली एक साथ छुट्टी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आंदोलन में हुए हैं शामिल। तो दोस्तों हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, गुजरात से क्या बड़ी अपडेट है, दिल्ली से बड़ी अपडेट्स को देखेंगे और यूपी में क्या अपडेट चल रही है, हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अपडेट्स आती है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। जरा इस अपडेट को भी देखिए। काफी बच्चों के मन में सवाल था कि अगर बीएड बाहर होता है या नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ेगा डीएलएड छात्रों पर। आप देख सकते हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती, ये देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा फल सांख्यिकी। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अगर बीएड के छात्रों को कुछ समय के लिए यहाँ से हम बाहर कर दें, टोटल पद है 69,000। तो आप देख सकते हैं डीएलएड में 38,610 बच्चे पास हुए थे। शिक्षा मित्रों की संख्या थी 8,018 और अदर्स में 2,064। अगर 8,000 2,000 जोड़ लेंगे तो 10,000 हो जाएगा। 48 और 10,000 जोड़ लेंगे तो मतलब 38,000 10,000 जोड़ेंगे तो 48,000 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप सोच लीजिए कि 69,000 पद में से कितने पद भरते हैं। मुश्किल तो चलिए मान लेते हैं मोटा मोटा 49,000 के करीब पद भर जाते हैं, तब भी 20,000 पद दोस्तों खाली रह जाते हैं। सोच सकते हैं कि बीएड छात्रों के बाहर होने से क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस, अब चलिए बीएड छात्रों की एंट्री करा देते हैं, अब क्या होगा देख सकते हैं। बीएड में पास होने वाले छात्रों की संख्या 97,368 थी, टोटल पद थे 69,000। इसीलिए दोस्तों फिर सामना करना पड़ गया मेरिट का, नहीं तो फिर मेरिट सिस्टम का कोई मतलब ही ना होता। जो बच्चे पास होते सभी बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल जाता। तो ये दोस्तों अंतर है। और एक बात और, अब दोस्तों बात होती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, जो ठीक है बनती है ना कट ऑफ की, क्या जा सकती है। तो जरा समझ लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल कैटेगरी में पास होने वाले छात्रों की संख्या थी 36,614, लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 84,868 बच्चे पास हुए थे। तो गाइस यहाँ पर समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को ईडब्ल्यूएस का बहुत ही तगड़ा फायदा मिलेगा जब नई भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी आप देखिएगा ईडब्ल्यूएस से भी ऊपर चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों बात हो रही थी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बंद करने पर जो सोशल मीडिया पर अभियान था कुछ इसीलिए जारी था। ठीक है, तो आप लोग हर एक अपडेट पर नजर बनाए रखा करिए कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर और क्या दोस्तों आने वाले समय में सरकार क्या कुछ बड़े फैसले ले सकती है। एक बात और आपको समझना है, 69,000 शिक्षक भर्ती में टोटल 4,31,464 बच्चों ने आवेदन किया था या पंजीकृत थे, सम्मिलित बच्चे थे। आप देख सकते हैं 4,09,530। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों ने यहाँ पर पेपर भी छोड़ दिया था, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 69,000 भर्ती में। एक और बड़ी बात बता दें कि एसटी कैटेगरी में पास होने वाले छात्रों की संख्या सबसे कम थी। ठीक है, तो इसीलिए एसटी कैटेगरी में जितने बच्चे पास हुए थे 100% बच्चों को नौकरी मिल गई। अब डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो तो देखिए बात अलग हो जाती है। बाकी बात करें कोरोना केसेस की, तो 24 घंटे में हमारे देश में 2,220 कोरोना के नए मामले सामने आए। और उसके बाद सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये रही आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस जो लास्ट आई थी 14/7/2022 को जारी की गई थी। बाकी आप ये देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, ये रही सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और बड़ी अपडेट्स कि सभी परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन हटने वाली है। ये बिजनौर से अपडेट है। ठीक है, तो गाइस एक एक करके चलिए आज की तमाम बड़ी अपडेट्स को हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, तो पहले एलटी ग्रेड की बात हो जाए। जरा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की द्वितीय सूची में चयनित अभ्यर्थियों और प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिलेगी। चयनित अभ्यर्थियों का डाटा एनआईसी में फिट कर दिया गया है। विद्यालय आवंटन के लिए इसी माह पोर्टल खुलने की उम्मीद है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में शिक्षकों के
10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो हर एक अपडेट पर आप लोग नजर बनाए रखा करिए। पीसीएस मेंस की अगर बात करें तो देखिए, पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 27 सितंबर से शुरू होने जा रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग से राहत न मिलने पर अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की ओर से मुख्यमंत्री को प्रेषित ईमेल के माध्यम से बताया गया है कि पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीसीएस 2021 का इंटरव्यू दिया है और 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए भी क्वालिफाई किया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर घटेंगे और पदों का भी नुकसान होगा। ऐसे में पीसीएस 2021 पर हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। इसके अलावा पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा के दौरान ही 30 सितंबर को बिहार पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों को शामिल होना है। वही 20 सितंबर को, ठीक है, तो ये सब दोस्तों देख सकते हैं कि काफ़ी पेपर अलग अलग जो अपडेट्स आ रही हैं। तो उसके बाद बात करेंगे पुरानी पेंशन को लेकर। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक 20 सितंबर को बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता मुकुल राय ने दी है। उन्होंने बताया कि संघ के जिला अध्यक्ष प्रभाकर मित्र के नेतृत्व में जिले भर के शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक धरने में शामिल होंगे। ठीक है, अब गुजरात से क्या अपडेट है जरा इसको भी देखते हैं। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लागू करने को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर शनिवार को पूरे राज्य में स्कूली शिक्षकों समेत गुजरात सरकार के हजारों कर्मचारियों ने एक साथ आकस्मिक छुट्टी ली और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कुछ यूनियनों ने शुक्रवार को यह कहते हुए हड़ताल वापस ले ली थी कि राज्य सरकार ने उनके अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिला स्तर पर यूनियनों ने दावा किया कि सरकार ने ओपीएस की उनकी मुख्य मांग पर विचार नहीं किया है। ठीक है, भावनगर मतलब जिले में 7,000 सरकारी शिक्षक छुट्टी पर 13 राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सौराष्ट्र क्षेत्र के संयोजक महेश मोरी ने कहा कि हमारी मुख्य मांग ओपीएस थी और इस मुद्दे को राज्य सरकार ने शुक्रवार को हल नहीं किया। यह मुद्दा राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को प्रभावित करता है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों ने आज आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया है। तो दोस्त, ये बड़ी बड़ी खबरें हैं। पुरानी पेंशन लागू कर देना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कच्छ में भी लगभग 8,000 सरकारी कर्मचारी काम पर नहीं गए, छुट्टी लिया था। मतलब ऐसे तो है नहीं कि धरना देने आप चले जाएंगे बिना छुट्टी लिए। ये अपडेट क्या है देखिए जरा, बिजनौर से क्या अपडेट है कि जनपद के 143 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन के ऊपर से एसटी या एलटी विद्युत लाइन गुजर रही है। विद्यालय के ऊपर से लाइन गुजरने से पढ़ने वाले छात्रों व शिक्षकों को खतरा बना रहता है। शिक्षा विभाग विद्यालयों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों को शिफ्ट कराएगा। इसके लिए अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा गया है। तो ये सब दोस्तों मामला है। तो चलिए दोस्तों, और भी जो बड़ी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो के अंत में कुछ और बातें कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। देखिए गाइस, समझ लीजिए कि अगर बीएड को बाहर किया गया तब तो डीएलएड कॉलेज और डीएलएड बच्चों की बल्ले बल्ले, फिर यही हो जाएगा कि जो बच्चे डीएलएड करेंगे, एचटेट की परीक्षा पास कर लेंगे, उनको 100% तक चांस है कि नौकरी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, चाहे आप 68,500 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट उठा लीजिए, 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड के छात्रों को मौका नहीं मिला था, इसलिए 22,000 पद खाली रह गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अगर समझ लीजिए कि अगर बीएड छात्रों को मौका ना मिलता तो आज भी 20,000 पद खाली होते। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना गुणांक कैसे जान सकते हैं, सेफ जोन क्या होगा। देखिए आपको बता दें, जनरल कैटेगरी के बाद जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होगी वो ओबीसी कैटेगरी की होगी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की आएगी, उसके बाद एससी कैटेगरी की आएगी, फिर एसटी की आएगी, फिर फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, ऐसे कट ऑफ आपकी बनने वाली है। तो ओबीसी कैटेगरी छात्रों का ही भैया सबसे बड़ा नुकसान होता है हर जगह से। ठीक है ना, तो नई शिक्षक भर्ती 2022 का नियम क्या होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए आप लोग कि अभी जो नई भर्ती आएगी, ना तो उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, ना ही उसमें टेट के नंबर जोड़े जाएंगे। अगर आपके मन में ये होगा शंका कि क्या यूपी टेट या सी टेट में से किसी टेट का पेपर भी शिक्षक भर्ती के गुणांक में जोड़ा जाएगा, तो अभी मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। तो ठीक है, आप लोग सुपर टेट की तैयारी करिए अगर आपका टेट क्लियर हो चुका है। अगर टेट क्लियर नहीं है तो पहले टेट में 120 प्लस स्कोर करने की स्ट्रेटजी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अपना गुणांक कैसे निकाल सकते हैं,
हमने आपको बता रखा है कि आपके हाई स्कूल के 10% लिए जाते हैं, इंटर के 10% लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के 10%, अगर आपने डीएलएड किया है या बीएड किया है तो उसके भी 10% लिए जाएंगे। टोटल यहाँ से 40% आपका हो जाता है, बाकी बचता 60% ये लिया जाता है सुपर टेट का। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।